हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आयुष मिश्रा फूड ब्लॉग में। फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी है मोदक। गणेश चतुर्थी आने वाली है 2 दिन के बाद में। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम अपना ये रेसिपी बनाए हैं। आज हम आप लोगों के बीच में अपनी रेसिपी शेयर करेंगे। सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाएगी हमारी रेसिपी। कितना अच्छा, कितना टेस्टी हमारा ये मोदक बना है। एकदम हलवाई स्टाइल से बना है ये मोदक हमारा। गणेश जी का फेवरेट भोग है मोदक। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि हम अपना मोदक कैसे बनाए हैं और किस ट्रिक से बनाए हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड, तभी आपको समझ में आएगी कि मैंने अपनी रेसिपी कैसे बनाई है। सबसे पहले हम गैस को ऑन किए हैं, एक पैन रखे हैं, उसी में हमारा घी है। घी हम लिए हैं 4 चम्मच। इसमें घी डालेंगे अपना, घी हमारा गर्म हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे, ये हमारा गेहूं का आटा है, इसी में हम डाल के इसको हम भूनेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, नहीं तो आटा नीचे से जलने लगेगा। आज हम बनाएंगे मोदक। गणेश चतुर्थी आने वाला है, उसी के उपलक्ष्य में हम मोदक बनाएंगे। मोदक गणेश जी को बहुत ही प्रिय है, इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि ये नीचे से पकड़ने लगेगा। ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे, लगातार चलाते रहेंगे, तभी अच्छा बनेगा मोदक हमारा। इसी आटे में हम चीनी इसमें हम मिक्स करेंगे। चीनी हमारा 4 चम्मच है, इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। ये है हमारा मलाई, 5 चम्मच हमारा ये मलाई है, इसको हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। जो दूध आता है उसकी मोटी मलाई निकलती है, वही मलाई हम डालेंगे। आप चाहो तो इसमें खोआ मिला सकते हो या दूध भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो। मलाई अभी इसी में डाल के उसको भी मिक्स कर लेंगे। मलाई भी इसमें हम डाल के मिक्स कर लिए हैं। वीडियो को अंत तक देखना फ्रेंड, तभी आपको समझ में आएगी कि मैंने अपनी रेसिपी कैसे बनाई है और किस किस ट्रिक से बनाई है, इसमें कौन क्या क्या चीज मैंने डाला है। इसी में हम नारियल का बुरादा भी डाल देंगे। नारियल का बुरादा हमारा 2 से 3 चम्मच है, इसमें डाल के वो भी मिक्स कर लेंगे। गरी का बुरादा डालने से मोदक का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा बन जाएगा, टेस्टी भी बनेगा। झटपट बन जाने वाली रेसिपी हमारी, सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है ये रेसिपी हमारी। गणेश जी को सबसे प्रिय ये भोग है हमारा मोदक, इसको बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, घर में कुछ ही सामानों से बन जाता है। ज़्यादा सामान लाने का मार्केट से ज़रूरत नहीं है, इतने में ही बन जाएगा। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। मोदक हमारा अभी थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगा। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के रख देंगे कि ठंडा हो जाए हमारा ये मोदक, तब तो अच्छे से बनेगा, नहीं तो ये गर्म पे नहीं बनता है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं, अभी हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा लेके हाथों से आज हम बनाएंगे बिना सांचा के। हाथों से बहुत ही अच्छा मोदक हमारा बन जाता है। एक ट्रिक हमारी यही है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिया है बादाम, ये है हमारा बुरादा, ये हमारा किशमिश, ये इलायची, इसको मैंने कोट लिया है और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने काट लिया है बारीक बारीक। अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। इलायची का पाउडर डालने से टेस्ट मोदक का सबसे अलग हो जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा कि घर पे बना कितना टेस्टी मोदक है, बाजार से ज्यादा टेस्टी बन जाएगा। एक हम आपको मोदक बना के दिखा रहे हैं कि कैसे उतना मोदक बनाएंगे। हल्का सा हाथों से इसको मसल लीजिए, मसलने के बाद में तब हम फिर बनाएंगे मोदक। इसी में थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे बीच में। इसको हम ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे हम अपने सारे मोदक बना लेंगे अच्छे से।
इसी शेप में ऐसे हम बना लेंगे अपना सारा मोदक। आज हम सांचा से नहीं बनाएंगे, फोक से इसका डिजाइन बना देंगे। इसी फोक से ऐसे हम डिजाइन बनाएंगे, कोई कह भी नहीं पाएगा कि इतना सुंदर डिजाइन फोक से बना है बिना सांचा के। ये सारे डिजाइन हम बना लेंगे इसमें। ऐसे हम सारा मोदक अपना बना लेंगे। मोदक हमारा बनके तैयार हो चुका है। फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। इसको हम गार्निश करेंगे। देखिए फ्रेंड किस टेक से हम गार्निश करेंगे। देखिए फ्रेंड हम कैसे गार्निश कर रहे हैं अपने मोदक को। इसे गार्निश कर दीजिए कि देखने में भी बहुत अच्छा लगे और खाने में भी टेस्टी लगेगा। सारे मोदक में पिस्ता लगाएंगे फ्रेंड। इसी तरीके से हम पिस्ता और चेरी भी अपने मोदक में लगा लिए हैं। इसको कितना सुंदर लग रहा है देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। गणेश चतुर्थी पे हमारे मोदक बनके तैयार हो चुके हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं। आप भी इसी तरीके से बनाइए, खाइए, भोग लगाइए गणेश जी का और कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड की कैसी रही आज की हमारी रेसिपी। वीडियो को फुल वॉच करना फ्रेंड। आप लोग फुल वॉच करने में कंजूसी करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो। आप लोगों के सपोर्ट से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।